अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये रिको 2051 मशीन है, MPC 2051 कलर मशीन है। इसमें एक टूनर बॉक्स तो ये होता है, ये वाला जो, इसको अगर आप खाली करना चाहें इसको खाली कर दें, ये तो इजी है बहुत। इसको निकाला और फिर इसकी यहाँ कॉर्क है, इसको निकाल के इसको आप किसी थैली वगैरह में फारिग कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, यानी टूनर बॉक्स को खाली कर सकते हैं। और एक टूनर बॉक्स जो है वो दूसरा होता है जो इसके बैक साइड पे होता है। ये मशीन की फ्रंट है, इसके इस साइड पे जहाँ बटन होता है बाज मशीनों में ऑन ऑफ का, इसके साथ ये इसके अंदर एक टूनर बॉक्स है, यानी सेकंड टूनर बॉक्स इसके अंदर है। उसको भी खाली कर दिया करें 2 महीने में या महीने में, यानी ज़्यादा प्रिंटिंग हो तो महीने में खाली कर दें, वरना 2 महीने 3 महीने में खाली कर दें। इसका एक स्क्रू ये है, इसको खोल लें, और दूसरा स्क्रू ये है, ये दो स्क्रू खुल गए, और ये इसको नीचे कर दें। उसके बाद दो स्क्रू इसके एक यहाँ पे है, इसको खोल लें, और एक स्क्रू ये है, इसको खोल लें। इसको खोलने के बाद फिर ये दूसरी बोतल है, ये भर जाती है। इसको आप जो है बाहर निकाल लें, इधर से और इधर से, ये निकल गई और ये फुल भरी हुई है, और जो इसको आप खाली कर दें। अब इसको खाली करने का तरीका क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। इसका खाली करने का तरीका ये है कि यहाँ से इसका कॉर्क है, इस कॉर्क को आप निकालेंगे, ये इसकी कॉर्क है, मैं दिखा दूँ आपको, ये निकलेगी बाहर, ये इसके अंदर टूनर है। इसको आप थैली वगैरह में जो है वो निकाल लें और साफ कर लें। तो ये आपने इसका कॉर्क निकाल लिया, कॉर्क निकालने के बाद इसको आप यूँ करके ये निकल जाएगा सारा वेस्ट टूनर, इसमें गिरा दें और इस तरह इसको खाली कर दें। ये इसका कॉर्क है, यानी इससे इसको जो है इसका होल जो है उसको बंद कर सकते हैं। ये इसका होल इस तरफ है, यहाँ देख लें, ये रहा होल, ये कॉर्क इसमें लग जाएगा। इसमें फिक्स हो जाएगा।